तो अब जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड एक बार फिर से फुल एक्शन मोड में आ चुका है और BSNL इस बार इस तरीके के कारनामे करने की शुरुआत कर चुका है, जिससे इस बात के चांसेस बढ़ चुके हैं कि जल्द ही जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने रिचार्ज के दामों को कम कर सकती हैं। दरअसल BSNL की तरफ से यह खबर कुछ ही घंटे पहले जारी की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि BSNL अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द सस्ते दामों में 4G सेवा देने के लिए एक बहुत बड़े प्लान को बना चुकी है, जिसके लिए भारत का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस BSNL का साथ देने की योजना बना चुका है, जिसमें वह BSNL के कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए जल्द से जल्द मॉनिटरिंग यूनिट सेटअप करने जा रहा है, ताकि काम को तेज बनाने के लिए कर्मचारियों पर नजर रखी जा सके, जिससे जियो एयरटेल और वोडाफोन को टक्कर देने के लिए BSNL के द्वारा अगस्त महीने तक पूरे भारत भर में 4G सेवा को लॉन्च कर दिया जाए। साथियों, यह बहुत बड़ी खबर है कि BSNL ने जो टारगेट साल 2024 के अंतिम महीने तक पूरा करने का प्लान बनाया था, वह अब 1-2 महीने में होने जा रहा है, और ऐसा संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोगों का रुझान तो BSNL की तरफ तो है ही, साथ ही BSNL को भारत का टेलीकॉम डिपार्टमेंट और टाटा के साथ साथ एलॉन मस्क की स्टारलिंक का साथ मिल चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले BSNL की घर वापसी और नए प्लान ने जियो एयरटेल और वोडाफोन को उनके रिचार्ज प्लान को सस्ता करने पर मजबूर कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में BSNL ने एक बार फिर से जियो एयरटेल और VI को बहुत बड़ा झटका दे डाला है, और इस बार जो झटका लग रहा है यह कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, बल्कि इस बार BSNL ने कई अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर कुछ ऐसी रणनीतियां रची हैं जिससे इस बात की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है कि जियो एयरटेल और VI जैसी यह प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने रिचार्ज को जल्द ही सस्ता कर सकती हैं, और यह कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करने पर मजबूर इसलिए हो सकती हैं क्योंकि जब से इन कंपनियों ने अपने रिचार्ज टैरिफ के रेट को अचानक 20 से 25% तक बढ़ाया है, तब से लोगों के मन में इन टेलीकॉम कंपनियों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, और खासकर इसमें जियो के ऊपर सभी लोग ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिलायंस जियो ही वह टेलीकॉम कंपनी है जिसने लोगों को फ्री इंटरनेट का लालच देकर सभी लोगों को मोबाइल की लत लगाई, और जब सभी लोग मोबाइल पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए तो इन्होंने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान को दिन पर दिन बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच BSNL ही एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने रिचार्ज कीमत को नहीं बढ़ा रही, बल्कि जो प्लान पहले महंगे थे उसको भी और ज्यादा सस्ता किया जा रहा है, जिससे BSNL को भी आसमान में पहुंचने का मौका मिल चुका है, और BSNL नई नई तैयारी के साथ लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए टावर्स को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही नए नए और सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान का ऑफर लोगों को दे रहा है। और इसी बीच BSNL और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ही घंटे पहले एक ऐसी खबर निकलकर आ रही है जिससे जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को अचानक से रिचार्ज प्लान को बढ़ाकर लोगों को लूटने का अंजाम पता चल रहा है। सबसे पहले इस आर्टिकल को देखें। यह आर्टिकल अब से कुछ ही घंटे पहले पब्लिश किया गया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस क्रिएटिंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट्स फॉर BSNL। दरअसल इसका अनाउंसमेंट हाल ही में भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा मोबाइल कांग्रेस समारोह सम्मेलन में किया गया। देखिए, पहले BSNL अकेले संघर्ष कर रही थी, लेकिन BSNL समय के साथ नहीं बदल पाया, जिससे वह 2G और 3G नेटवर्क प्रोवाइड करने पर ही अटका रह गया और उन्हें ग्राहकों से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल पिछले कुछ दिनों में BSNL को टाटा का साथ मिला और इन्होंने जियो और एयरटेल के द्वारा रिचार्ज महंगा किए जाने के समय का फायदा उठाया और कई शहरों में अचानक 10,000 से भी ज्यादा टावर को लगाकर 4G सर्विस लॉन्च कर दी, जिससे दिन पर दिन BSNL के साथ जुड़ने वाले ग्राहकों की संख्या
तेजी के साथ बढ़ रही है। और आपको यह भी बता दें कि BSNL के रिचार्ज टैरिफ के प्लान उतने ही सस्ते हैं जितने कि वह 3G नेटवर्क में लोगों को मिल रहे थे, और साथ ही 4G नेटवर्क में पोर्ट करने वाले कस्टमर को स्वदेशी नेटवर्क की अच्छी खासी स्पीड देखने को मिल रही है। और जब सरकार को लगा कि जियो, एयरटेल और VI को लोगों के द्वारा गालियां पड़ रही हैं और BSNL के साथ ही सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो हाल ही में सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है और अब BSNL को भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट का साथ मिल चुका है, जिससे अभी तक तो 4G और 5G की बात हो रही थी, लेकिन इसी बीच कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने 6G को भी भारत में BSNL के द्वारा जल्द से जल्द लाने की योजना बना ली है। फिलहाल अगर 4G नेटवर्क की बात की जाए तो BSNL के 4G नेटवर्क को अगस्त के महीने तक पूरे भारत भर में पहुंचाने का डिसीजन ले लिया गया है, जिसमें तेजस, BSNL और टाटा की TCS के साथ साथ भारत सरकार द्वारा संचालित सेंटर ऑफ डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स यानी कि भारत सरकार का दूरसंचार विकास प्रौद्योगिकी केंद्र जैसे बड़े बड़े यह चारों प्लेयर्स मिलकर BSNL का नेटवर्क भारत के सभी गांव और शहरों में पहुंचाने के काम में तेजी करने जा रहे हैं। और यह चारों प्लेयर्स आपस में मिल चुके हैं, जिससे 4G और 5G नेटवर्क पहुंचाने की जो डेडलाइन साल 2024 के अंत तक थी वह बहुत ही कम हो चुकी है। सबसे पहले तो दूरसंचार विकास प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा BSNL के लिए भारत के कई गांव और शहरों में परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट्स को जल्द से जल्द खोला जाएगा और इन यूनिट्स के द्वारा कर्मचारी और अन्य कंपनियों पर ध्यान रखा जाएगा, ताकि टॉवर्स को देश भर में फैलाने का जो काम है उसमें कर्मचारी के द्वारा काम चोरी ना हो सके, क्योंकि कर्मचारियों की कामचोरी से ही BSNL बर्बाद हुआ था। इसलिए पहले अपने कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग सेंटर खोला जा रहा है। दोस्तों, यह खबर अपने आप में ही इतनी बड़ी है कि यह जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की मनमानी एक झटके में खत्म कर सकती है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची वैसे ही BSNL में सिम पोर्ट कराने वाले लोगों की लाइन लगना शुरू हो चुकी है। और कुछ आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें इसका खुलासा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जहां BSNL में सिम पोर्ट कराने वाले लोगों की संख्या हर दिन 10,000 के करीब थी, वह अब लगभग 15,000 के करीब पहुंच चुकी है। यानी कि दोस्तों, दिन पर दिन BSNL के साथ लोगों की रुचि बढ़ रही है और हर दिन लगभग 15,000 सिम कार्ड BSNL में पोर्ट हो रहे हैं, जो कि जियो, एयरटेल और VI जैसी कंपनियों के लिए सोचने वाली बात है कि उनके कस्टमर इतनी तेजी के साथ BSNL में तब्दील हो रहे हैं। हालांकि आपको यह बता दें कि ये आंकड़े थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट नंबर अभी भी सामने नहीं आया है। BSNL की घर वापसी से जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की खटिया खड़ी होने जा रही है, उसके लिए BSNL को कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें, ताकि यह जानकारी पूरे भारत भर में फैलने से जियो, एयरटेल और वोडाफोन अपने रिचार्ज को जल्द से जल्द सस्ता करने पर मजबूर हो जाए। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।